मंडी जिला के सराज में एक निजी कंपनी के 6 कुक हादसे का शिकार हो गए हैं। इनमें से एक की मौत हो गई है और बाकी 5 लोगों का इलाज मंडी के जोनल अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे की वजह यहां पर चलाए जा रहे पेट्रोल के जनरेटर को इन लोगों के द्वारा अपने कैंप के अंदर रखना है, जिसके कारण टेंट में सो रहे 6 मजदूर बेहोश हो गए और इनमें से एक की मौके पर मौत हो गई है। एसपी मंडी अशोक कुमार ने बताया कि गोह थाने के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मंडी जोनल अस्पताल में घायलों के साथ आए लोगों ने कैमरे पर कुछ भी कहने से परहेज किया, लेकिन कुछ मजदूरों ने बताया कि वे आंध्र प्रदेश की एक निजी कंपनी में काम करते हैं और सराज में पेट्रोलियम या किसी अन्य प्रकार के पदार्थ की खोज बीते कुछ दिनों से कर रहे हैं। मजदूरों के मुताबिक यहां पर करीब 200 के लगभग मजदूर आए हैं। जहां पर हादसा हुआ है वहां पर 75 के करीब मजदूर जंगल में टेंट लगाकर रह रहे थे। जानकारी के अनुसार मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर किसी रिश्तेदार के पास सौंपने की बात वेस्ट बंगाल से परिवार वालों ने कही है। फिलहाल सभी घायलों की हालत अभी कुछ बेहतर है। कांडा से थोड़ा ऊपर वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे हम लोग ONGC का काम करने के लिए आया, ऑयल सर्वे का जो काम हो रहा है उसका काम करने के लिए आया। ये तो रात को लोग खाने के बाद सब सो गया था, उसके बाद हम लोग तो पता नहीं, हम लोग भी काम करने के बाद सो गया। उसके बाद सुबह जब उड़ रहा था उनका कैंप में गया, बुला रहा हूँ जो खाना बनाओ, हम लोग को काम पे जाना है। तो हम लोग देखा मुझसे कुछ निकल रहा, उसके बाद तुरंत हम लोग हॉस्पिटल लेके आया, कुछ भी देखा नहीं। उसी टाइम सुबह तो देखने का टाइम नहीं मिल रहा है हम, क्योंकि उसका ऐसा हो गया, हम लोग हॉस्पिटल लेके जाना है, इसलिए तो दौड़ छोड़ उसको लेके हॉस्पिटल पहुँचा। नहीं, सब तो अलग अलग टेंट है, 6-7 आदमी का, 10 आदमी का, 15 आदमी का, एक एक टेंट। इनके आदमी का 6 आदमी था, खाने वाने का है, इसलिए उन लोग जल्दी उठता है, जल्दी सो जाता है, इसलिए उसका अलग है।